Dear students, assalamu alaikum. I am from Anglo-Arabic Higher Secondary School. Dear students, class 2, subject math. Dear students, आज हम class 2 math का जो topic पढ़ेंगे वो है geometrical shapes. आपका book का page number 86, जिस पर different types of shapes define की गई हैं, आपको दिखाई गई हैं, उसमें आप ये पेज देखिए जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी. पेज नंबर 86 पे फर्स्ट आप लोग आज जो है वो मैच द फेसेस विद इट्स नेम ये कर रहे हैं. ठीक है, अब बच्चों फर्स्ट ये है, आप यहाँ आते हैं, देखिए जो आपने फर्स्ट आपने जो सीखनी है वो शेप्स आपके पास जिनके बारे में आपके पास मालूमात हों, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल हैं. स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल ये फोर शेप्स हैं जो हमारी टू क्लास में मेजर शेप्स समझी जाती हैं, लेकिन इनसे डिफरेंट शेप्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिनके बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे. फर्स्ट आपको पता है कि जो ट्रायंगल है देयर आर थ्री साइड्स क्लोज फिगर कहलाती है जो कि ट्रायंगल कहलाती है. सेकंड पे आते हैं हम स्क्वायर पे, स्क्वायर हैज़ फोर इक्वल साइड्स, उसकी फोर इक्वल साइड्स होती हैं इसलिए वो स्क्वायर कहलाता है. थर्ड वन पे आइए सर्कल पे, तो सर्कल हैज़ नो कॉर्नर एंड नो साइड. सर्कल का ना ही आपको कोई कॉर्नर नज़र आ रहा है और ना ही कोई साइड नज़र आ रही है, लिहाजा सर्कल हैज़ नो कॉर्नर एंड नो साइड कहलाता है. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल पे, तो रेक्टेंगल हमारे पास जो है देर आर ऑल इक्वल साइड्स बट फोर साइड्स आर क्लोज्ड. ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी फोर इक्वल साइड्स हैं बट क्लोज हैं ये. ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल्स के बाद आते हैं ये फोर शेप्स जो हैं ये 3D शेप्स भी कहलाती हैं, इनको 3D शेप्स भी कहा जाता है. इन्हें क्यों 3D शेप्स कहा जाता है आज मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि इनसे आगे जो दूसरी शेप्स बन रही हैं उनके बारे में डिफ़ाइन किया जाएगा. 3D शेप्स के बारे में आपको बताया जाए कि 3D का लफ्ज़ है डी डायमेंशन को ज़ाहिर करता है. डायमेंशन जो है उसकी मीनिंग है लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट के. एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास जो शेप्स हैं वो हैं क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन और सिलेंडर. ये फोर हमारे पास सिलेंडर और स्फेयर, ये फाइव शेप्स हैं जिनको हमने डिफ़ाइन करना है आज. फर्स्ट हम लेते हैं क्यूब को. क्यूब आपको सामने नज़र आ रही होगी, ये सामने ये क्यूब है. अब क्यूब इस थ्री डायमेंशनल शेप, ये आपके पास एक शेप है, इसको हमने डिफ़ाइन करना है. इसका हमने थ्री डायमेंशन किस तरह है बेटा, इनकी इसके अंदर फेस भी पाया जाता है, इसका एजेस भी पाए जाते हैं और वर्टिसेस भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम इसको थ्री डी शेप इसलिए कहते हैं कि थ्री डायमेंशन इसके अंदर तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए हमें इसे थ्री डायमेंशन कहते हैं. सबसे पहले मैं आपको फेस बताऊँ, फेस क्या है, फेस की डेफिनेशन क्या है, कि फेस किसी भी चीज़ की शक्ल जो आपको वजह नज़र आती है वो इसका फेस कहलाता है. ये फ्रंट पे आपको जो नज़र आ रहा है ये इसका फेस है, ये फेस कहलाता है. सेकंड पे आते हैं एजेस पे, एज देखिए, एज क्या है, ये आपको आप फील कीजिए, ये एक सामने आपको एक शेप की आप इसको यहाँ से यहाँ तक फील कर रहे हैं, ये जगह जो है ये इसकी एज कहलाता है, ये इसका एज कहलाता है, ये इसका एज कहलाता है, ये इसका एज और ये एज, यानी ये चीज़ इसकी एज कहलाती है. थर्ड वन पे आते हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस कहलाते हैं कॉर्नर्स. दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये हैं कॉर्नर्स. ठीक है, ये कॉर्नर साइड्स जिन्हें हम कहते हैं, ये कॉर्नर्स जो हैं ये हमारे वर्टिसेस कहलाते हैं. अब वर्टिसेस को वर्टेक्स भी कहते हैं, सिंगल एक कॉर्नर को वर्टेक्स कहते हैं, और जब ये इस तरह शामिल हो जाते हैं तो इन्हें वर्टिसेस कहते हैं, इन्हें इनका प्लूरल्स जो है वो वर्टिसेस कहलाता है. अब हम थोड़ा क्यूब के बारे में पढ़ते हैं कि क्यूब जो है वो किस तरह, इसका फेस कितने हैं, इसके एजेस कितने हैं और इसके वर्टिसेस कितने हैं, इसके बारे में क्यूब के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले क्यूब के फेस के बारे में देखते हैं, क्यूब के फेसेस कितने हैं, देखिए फ्रंट पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड बैक पे 6, कितने फेसेस हैं, हाउ मैनी फेसेस, 6 फेसेस हैं क्यूब के. यानी आपने फर्स्ट देखा कि फेस के कितने
क्यूब के कितने फेसेस हैं, 6 हो गए। इसके बाद हम आते हैं इसके एजेस पे, एजेस हम काउंट करेंगे। मैंने आपको कहा अच्छा एजेस की एक एग्जांपल हम अपनी बुक भी ले सकते हैं, ये देखिए ये हम बुक लेते हैं, बुक के एजेस देखिए कौन से एजेस हैं, ये देखिए यहाँ से हमें स्टार्ट किया, ये इसका एज है, ये इसका एज है, ये इसका एज है, साइड्स एज है ये। अब कॉर्नर मैंने आपको बताया वर्टिसेस कौन से हैं, ये और ये सब इसके वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब आप मुझे आप ये बताएंगे कि सेकंड पे मैंने आपको इसका, पहले तो हमने इसकी फेस काउंट की, अब हम इसके एज काउंट करने लगे। एज काउंट कैसे करेंगे देखिएगा, 1 2 3 4 5